देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। युवा इंजीनियर ने विकसित किया खास ड्रोन, अब किसान ड्रोन की मदद से करेंगे गेहूं की बुआई। बिहार के 10 जिलों में होगी मौसम के अनुकूल खेती, केंद्र सरकार देगी किसानों को मदद। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी राज्य में बन रही है निजी मंडी, किसान संगठनों ने किया इसका विरोध। खेती में नए नए प्रयास कर कृषि वैज्ञानिकों से लेकर किसानों तक सभी इस कोशिश में जुटे रहते हैं कि खेती की लागत को कम करके कृषि को मुनाफे का सौदा बनाया जा सके। इसी कड़ी में नए नए कृषि यंत्रों का भी निर्माण किया जा रहा है ताकि किसानों को खेती के कामों में थोड़ी सी सहूलियत भी मिल सके। इसलिए जबलपुर के युवा इंजीनियर भी पिछले कई सालों से कृषि से जुड़े नए नए उपकरण बनाने में लगे हैं। हाल ही में जबलपुर के माढ़ो ताल क्षेत्र में रहने वाले अभिनव ने भी एक ड्रोन तैयार किया है, जिसकी मदद से न सिर्फ किसान अपने खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव कर पाएंगे बल्कि खेतों में आसानी से बीज की बुआई का काम भी कर पाएंगे। अभी तक जहां ट्रैक्टर और सीड ड्रिल की मदद से किसान खेतों में बीज बोने का काम करते थे, तो वहीं ये तरीका जल्द ही बदलने वाला है और किसान अब ड्रोन में सीड ड्रिल के जैसे ही छेदों वाली फनल या कहें कि चाड़ी लगाकर आसानी से खेतों में गेहूं और धान के बोवनी कर सकेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में धान की कटाई होने के तुरंत बाद ही ठंड का मौसम लगभग शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहां के खेत जल्दी सूख नहीं पाते और ट्रैक्टर और सीड ड्रिल से गेहूं की बुआई करने में किसानों को काफी मुश्किल होती है, जिसके चलते गेहूं के बीजों का छिड़काव करते हैं जिसमें कई तरह की और भी परेशानियां आती हैं। खास बात यह है कि किसान इस ड्रोन को मोबाइल या फिर टैबलेट के जरिए आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। आपको बता दें कि मोबाइल और टैबलेट पर गूगल मैप की मदद से खेत का नक्शा फीड किया जाता है, जिसके बाद एक बार स्टार्ट करने पर ये बीज और बैटरी खत्म होने तक खेत के पूरे एरिया के अनुसार बोवनी करता रहता है और आखिर में वापस अपनी जगह पर ऑटोमेटिक लैंड होकर रुक जाता है। आपको बता दें कि अभिनव ने इस ड्रोन को करीब 4-5 साल की मेहनत के बाद तैयार किया है, जिससे एक बार में करीब 30 लीटर तक दवाई का छिड़काव किया जा सकता है। अभिनव ने BHU के वैज्ञानिकों के आग्रह पर इसका एक प्रयोग करके मिर्जापुर के खेतों में भी दिखाया है, जिन्होंने इसे खेती का भविष्य भी बताया है। केंद्र सरकार इन दिनों प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों का ध्यान खींचने में लगी है, जिसके चलते सरकार द्वारा हर तरह से पूरी कोशिश की जा रही है कि किसान उर्वरक आधारित खेती को कम करके जलवायु अनुकूल आधारित खेती करना शुरू करें। इसी कड़ी में सरकार ने बिहार के 10 जिलों का चयन भी किया है, जहां पर किसानों से सरकार की मदद पर जलवायु अनुकूल खेती कराई जाएगी, ताकि बाढ़, सूखा या फिर दूसरी वजह के प्राकृतिक माहौल में भी खेती संभव हो सके। तो सरकार द्वारा चुने गए जिलों में बिहार के दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, सीवान, सहरसा, सीतामढ़ी और नालंदा का नाम भी शामिल है। खास बात यह है कि इन जिलों के लिए केंद्र सरकार द्वारा धनराशि भी दे दी गई है, जिसके लिए किसानों के बीच अब इसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। तो जाहिर है कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जलवायु अनुकूल खेती योजना के अतिरिक्त इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा निकरा योजना नाम दिया गया है। इसके तहत पहले भी साल 2011 में इसी योजना के तहत बिहार के बक्सर, जहानाबाद, नवादा, सारण, औरंगाबाद, बांका और सुपौल को शामिल किया गया था। हालांकि सुपौल में ये योजना अभी चल रही है, जबकि वहीं बाकी जिलों में समय सीमा पूरी हो जाने के बाद केंद्र सरकार ने नए जिलों का चयन किया है और परिणामों को देखते हुए कई ग्रामीण इलाकों में किसान इस विधि से पशुपालन और खेती एक साथ कर रहे हैं, जिसमें जलवायु आधारित खेती उनके लिए बेहतर विकल्प बनी है। आपको बता दें कि इस विधि में चुने गए जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों को भेजी गई राशि निकरा के तहत सभी चयनित जिलों में योजना संचालित करेगी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय योजना की निगरानी भी करेगा। जहां एक तरफ किसानों के करीब एक साल तक विरोध प्रदर्शन करने के बाद केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया है,
लेकिन बावजूद इसके कर्नाटक सरकार ने निजी मंडी बनाने की योजना पर काम चालू रखा है, जिसके विरोध में अब राज्य के किसान संगठनों ने तुरंत ही निजी मंडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। आपको बता दें कि भारतीय कृषक समाज ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से शिकायत की है और मांग की है कि राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों को रोके जो प्राइवेट मंडियों की स्थापना के लिए मंजूरी दे रहे हैं। एक खबर की माने तो भारतीय कृषक समाज ने पत्र में कहा है कि राज्य ने न केवल संबंधित कानूनों में कुछ संशोधनों को निरस्त किया है, बल्कि ये एपीएमसी अधिनियम के अनुसार निजी किसान बाजारों को बढ़ावा देने की भी कोशिश है और इन बाजारों को मंजूरी देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसान संगठनों ने यहां तक आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने बेलगावी के पास बाजार स्थापित करने के लिए लगभग 10 एकड़ कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तित करने में कई मानदंडों, राजस्व कानूनों और खरीद नियमों का उल्लंघन किया है और तो और जमीन इस्तेमाल में किए गए बदलावों के लिए एक मृत व्यक्ति के नाम पर दिए गए आवेदन को मंजूरी भी दी गई है। फिलहाल संगठन ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इस लेन देन में कई अन्य अनियमितताएं हैं, इसलिए हमने इस मुद्दे की व्यापक जांच की मांग की है। उन्होंने मांग की कि सरकार ये घोषणा करे कि वो राज्य में पूर्ण निजी कृषि उपज मंडियों को नहीं बनने देगी। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको दिखाया विस्तार से, लेकिन खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। खाद्य तेलों और गुड़ में भी मिलावट की खबरें अब सामने आने लगी हैं। जी हाँ, दरअसल हाल ही में देश भर से करीब 15 तरह के खाद्य तेलों के नमूने इकट्ठे किए गए थे, जिनमें से करीब 24% नमूने मानकों पर खरे ही नहीं उतरे। आपको बता दें कि भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण के सूत्रों के मुताबिक 4 मेट्रो शहरों और 587 जिलों में खाद्य तेलों के 4,461 सैंपल लिए गए थे। इनमें से 108 नमूने बिल्कुल खराब पाए गए हैं, जिनमें खतरनाक कीटनाशकों के अवशेष तक का पता चला है। दूसरी ओर कुल 1,080 सैंपल की गुणवत्ता खराब पाई गई। FSSAI के सूत्रों के अनुसार कुल सैंपल में से 572 में उत्पाद के लेवल पर किए गए दावे पूरे नहीं पाए गए। इन खाद्य तेलों में विटामिन ए और डी मिलने का भी दावा किया गया था, लेकिन जब जांच की तो ऐसा कुछ नहीं मिला। खबरों की माने तो FSSAI ने इन सैंपलों को जांच के लिए 25 से 27 अगस्त 2020 के बीच में उठाया था, जिनमें नारियल, पाम ऑयल, सरसों तेल, सोयाबीन, सूरजमुखी और मूंगफली आदि तेल शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई समेत 10 जिलों के करीब 94 किसानों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। और बड़ी बात तो ये है कि ये बड़ी ठगी हरियाणा के गुड़गांव की फिश फॉर्च्यून प्रोड्यूस कंपनी द्वारा की गई है। आपको बता दें कि कंपनी ने भिलाई के सुधीर भंडारी, बालौद के गुलाब चंद्राकर और ग्वालियर के मनोज त्रिपाठी को स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाकर ठगी का कारोबार तैयार किया था। कंपनी ने करीब 1.5 साल पहले सबसे पहले तालाब सिकोसा में किसान मदन लाल के लिए एजेंट गुलाब के खेत में फिश फार्मिंग के लिए तालाब निर्माण करवाया। इसके बाद इरागुड़ा के किसान देवेश चंद्राकर के खेत में दूसरा फिश फार्मिंग तालाब बनाया। तीसरा फार्म बिलासपुर के किसान मोहन मोटवानी के खेत में बनाया। इन तीनों तालाबों को दिखाकर राज्य के 94 किसानों से 5 करोड़ रुपए की ठगी हुई। पैसा लेकर अक्टूबर 2020 में ये फरार हो गए। कंपनी में सदस्य बनाने और उसमें भी कमीशन देने का झांसा देकर 20,000 रुपए इन्होंने वसूले थे, जिसके बाद अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। डीएपी की किल्लत झेल रहे किसानों के सामने अब यूरिया की कमी भी एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई है। दरअसल हरियाणा के जींद जिले के सफीदो कस्बे में बुधवार की सुबह से ही किसानों द्वारा काफी हंगामा किया गया। किसानों ने यूरिया के ट्रक के आगे लेटकर काफी विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल हुआ यूं कि सुबह 5 बजे ही यूरिया के 58,000 कट्टे लेकर मालगाड़ी सफीदो के रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इसकी भनक लगते ही हजारों किसान पुरानी अनाज मंडी में खाद लेने पहुंच गए। इसी बीच खाद से भरे ट्रक पुरानी मंडी में आना शुरू हो गए और कुछ ही देर बाद ट्रक मंडी से वापस निकलना शुरू हो गए।
ट्रक को वापस जाता देखकर किसान आक्रोशित हो गए। किसानों ने वापस जा रहे ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक चालक ने गाड़ी नहीं रोकी। किसानों ने ट्रक का पीछा करते हुए उसे पुरानी अनाज मंडी के हाट रोड वाले गेट पर रोक लिया। इसके बाद किसान ट्रक के आगे लेट गए, कुछ किसान ट्रक के ऊपर चढ़ गए। उसके बाद सैकड़ों किसान हाट रोड पर जमा हो गए। इस पर SDM डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा और थाना प्रभारी सुरेश कुमार मौके पर पहुंचे। वहीं किसानों ने लोड होकर जा रहे ट्रकों को भी सड़क पर लेट कर रोक लिया। इसके बाद पुलिस ने पर्चियां काटी और किसानों को खाद दिलवाया गया। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।